वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज है 11 अप्रैल 2020 और 11 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के बाद अब किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इसका सही जवाब है पंजाब सरकार। तो पंजाब सरकार ने अभी लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया। इसके ठीक पूर्व उड़ीसा ने ऐसा किया था और उड़ीसा ने लॉकडाउन की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाया था और अभी पंजाब सरकार ने बढ़ा दिया है। अब बात आई पंजाब सरकार की, तो पंजाब की कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़। पंजाब के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। और पंजाब के गवर्नर कौन है? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। विजेंद्र पाल सिंह बदनौर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये हैं सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और ये है पंजाब की मैप। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिल सकती थी। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेडिकल क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टरों, स्टाफों, नर्सों तथा इससे जुड़े अन्य कार्यकर्ता की सैलरी दोगुनी करने का निर्णय लिया है, यानी कि कोरोना वायरस जो अभी महामारी फैली हुई है तो उसमें जितने भी मेडिकल स्टाफ्स, डॉक्टर अथवा नर्स अभी जो लोगों की सेवा में जुड़े हुए हैं तो उन्हें भारत सरकार ने उनकी सैलरी को दोगुनी करने का फैसला किया है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के अध्ययन के अनुसार कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो किसी के संपर्क में नहीं आए तथा इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है फिर भी ये कोरोना पॉजिटिव हैं? तो इसका प्रतिशत है 39.2%। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है और किसी के संपर्क में भी नहीं आए हैं फिर भी ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये एक सनसनीखेज अभी की खबर है। तो कितना प्रतिशत? 39.2%। और ये रिपोर्ट जो है ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने एक स्टडी के आधार पर इंडियन जनरल मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित किया है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना संक्रमण के कारण किस ओलंपिक फाइनलिस्ट का निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब है डोनाटो साविया। डोनाटो साविया ये है ओलंपिक ध्वज। तो डोनाटो साविया से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि ये कहाँ के थे? तो ये इटली के थे। और डोनाटो साविया ने 800 मीटर रेस में 1984 की यूरोपियन इंडोर चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जितने भी स्वर्ण पदक वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये पहले ओलंपिक फाइनलिस्ट हैं जिसकी कोरोना से मृत्यु हुई है। तो इससे पहले किसी भी ओलंपिक फाइनलिस्ट की कोरोना से मृत्यु नहीं हुई थी, ये पहले हैं। अब बात आई यहाँ पर कि कैपिटल कहाँ है, तो रोम में। इटली की कैपिटल कहाँ है? रोम। इटली के पीएम कौन है? जीएसएपे कॉन्टे। और इटली के प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? तो सर्जियो मटरेला। ये जो है अभी इटली के प्रेसिडेंट हैं। तो इतने क्वेश्चन जो हैं इटली से, इस क्वेश्चन से बन सकते थे। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना के कारण 12 दिन में 226 दौलतमंद व्यक्ति फोर्स की सूची से बाहर हो चुके हैं। मुकेश अंबानी अब इस सूची में किस स्थान पर है? तो अभी कोरोना वायरस के कारण 12 दिन में 226 दौलतमंद व्यक्ति जो है फोर्ब्स की सूची से बाहर हो चुके हैं। इसमें भारतीय भी बहुत सारे शामिल हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है मुकेश अंबानी अभी इस सूची में किस स्थान पर हैं? तो मुकेश अंबानी अभी इस सूची में 21वें स्थान में है। जबकि मुकेश अंबानी किस स्थान पे थे? तो उनका स्थान था 13वां, लेकिन अभी वे 21वें स्थान पे आ गए हैं। और इनकी संपत्ति में लगभग $5.7 अरब की गिरावट आई है। अब बात आई कि इसमें दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और पहले नंबर पे कौन है? तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक बिल गेट्स हैं वो अभी दूसरे नंबर पर हैं।
और अमेजन के जो सीईओ हैं जेफ बेजोस, वो लगातार अभी शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं, यानी कि वो पहले नंबर पे बने हुए हैं। अब यहाँ पे बात आई माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई है, 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो बिल गेट्स हैं। और अमेजन की बात आई तो अमेजन की स्थापना कब हुई है, 1974। आप इस पिक्चर में तीनों को देख सकते हैं। तो ये जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं जेफ बेजोस, और ये जो हैं ये हैं बिल गेट्स, और इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, ये जो हैं कौन है, मुकेश अंबानी। तो इस क्वेश्चन से इतने यहाँ पर इतनी जानकारी आपको मिल सकती थी। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने सीनियर सिटीजन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने सीनियर सिटीजन के लिए अभी फिलहाल में सेफ सीनियर ऐप लॉन्च किया है, सेफ सीनियर ऐप। अब इस ऐप में क्या है, तो यह बुजुर्गों में कोरोना के शुरुआती लक्षणों का पता लगाएगी, और यह एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस टूल है, यानी कि यह एनालिसिस करती है, एनालिसिस कर सकती है, इसकी क्षमता है एनालिसिस करने की। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी की नाम सीनियरिटी है। ये जो ई कॉमर्स कंपनी की बात यहाँ की जा रही है उसका नाम है सीनियरिटी। तो इतने क्वेश्चंस यहाँ से उठ सकते थे। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IISC, इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तथा IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मिलकर कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब है गो कोरोना गो, ये पहला ऐप है, और संपर्क ओ मीटर ये दूसरा ऐप। ये दोनों ऐप लॉन्च किया किसके द्वारा, IISC और IIT के द्वारा। अब यहाँ पे बात आई कि गो कोरोना गो ऐप जो है ये क्या बताएगा, इसकी क्या खूबी है। तो यह बताएगा कि यूजर ने कोरोना संक्रमितों अथवा संदिग्धों के साथ यात्रा की है या नहीं। अगर उन्होंने यात्रा की है तो ये जो ऐप है वो उसे पकड़ लेगी। इसके बाद इस ऐप का कार्य जो है वो आधारित है GPS बेस पे और ब्लूटूथ बेस पे, तो ये दोनों कनेक्शन ये यूज करेगा। तो इतने आंसर्स, इतने क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्क ने सदस्य देशों को COVID-19 परियोजनाओं के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है। तो सार्क ने अभी COVID-19 से जुड़ी हुई जितनी भी परियोजनाएं हैं उसके लिए $5 मिलियन की राशि का आवंटन किया है, $5 मिलियन। अब यहाँ बात आई सार्क की, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये सार्क का लोगो है, और सार्क यानी कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। अब बात आई सार्क में सदस्य देशों की संख्या होती है 8, कितनी होती है 8। ये 8 देश कौन कौन हैं, तो भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये जो हैं इसके सदस्य देशों की संख्या है, उनके नाम हैं। और इसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है काठमांडू में, कहाँ है काठमांडू में, और काठमांडू कहाँ पड़ता है, तो ये नेपाल में है। उसके बाद सार्क के महासचिव कौन हैं, सार्क के महासचिव हैं एलासा रुवान वेराकून, एलासा रुवान वेराकून। सार्क की स्थापना कब हुई है, 8 दिसंबर 1985, यानी 8 दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना हुई है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में L&T ने उन्नत IIT नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इसका सही जवाब है भारतीय सेना के साथ। L&T ने अभी हाल ही में IIT नेटवर्क स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता कर लिया है।
अब इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत सुरक्षा बलों के नेटवर्क को संचालित करने हेतु, सुरक्षा बलों का जो भी नेटवर्क होता है उन्हें संचालित करने हेतु एक उन्नत आईटी सक्षम प्रणाली स्थापित होगी इस समझौते के अंतर्गत। अब यहाँ बात आई L&T की, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है लार्सन एंड टुब्रो। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बड़ोदरा गुजरात में। और इसके सीईओ कौन है? डॉक्टर केशव पांडा इसके सीईओ है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें। फिलहाल चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। तो अगला वीडियो है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने COVID-19 से मुकाबला करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो जितने भी ऐप अभी फिलहाल में लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि आरोग्य सेतु अभी जो है भारत सरकार ने लॉन्च किया, जितने भी ऐप लॉन्च हो रहे हैं उनके नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें जरूर याद रखिए। इसके बाद बात कर रहे थे अरुणाचल प्रदेश की, तो अभी अरुणाचल प्रदेश ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अभी कोविड केयर नामक ऐप अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। अब इस ऐप की खूबी क्या है? तो यह ऐप उपयोगकर्ताओं के स्वास्थ्य की जानकारी देगी, उनका टेम्परेचर, शरीर का जो टेम्परेचर होगा, उसके साथ साथ कोरोना के जो लक्षण होंगे उन्हें भी जांच करने में सक्षम होगी यह ऐप। उसके बाद अब बात आई यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है अभी फिलहाल में? तो इसके सीएम है पेमा खांडू, आप इस पिक्चर में पेमा खांडू जी को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ के गवर्नर कौन है? तो BD मिश्रा। यहाँ के गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ट्राइफेड ने किसके साथ मिलकर SHG समूह के लिए डिजिटल संचार रणनीति विकसित की है? तो ट्राइफेड ने भी SHG यानी कि स्वयं सहायता समूह, तो स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ अभी मिलकर समूह के लिए जो है यूनिसेफ के साथ मिलकर अभी एक क्या विकसित की है? संचार रणनीति विकसित की है। तो अब बात रही कि यह रणनीति क्या करेगी, तो यह रणनीति डिजिटल अभियान को बढ़ावा देने के लिए है, इसके अंतर्गत क्या होगा कि जितने भी SHG हैं यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जितने भी हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जितने भी ये ग्रुप हैं उसके केंद्रों पर डिजिटल मीडिया की सामग्री दी जाएगी जिससे कि डिजिटल अभियान को बढ़ावा मिल सके। अब बात आई यहाँ पर ट्राइफेड की, तो ट्राइफेड क्या है? तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, एक बार फिर से, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसके बाद इसी में बात आई यूनिसेफ की, क्योंकि यूनिसेफ के साथ मिलकर जो है ये रणनीति विकसित की है, तो यूनिसेफ के बारे में भी कुछ जानते हैं। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? तो H.E. रबाब फातिमा अभी यूनिसेफ के अध्यक्ष हैं। तो इतने क्वेश्चंस बन सकते थे जो हमने आपको बताए। अब आज का प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, तो आज का प्रश्न है, हाल ही में विजडन द्वारा किस ऑलराउंडर को विश्व में 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर यानी कि लीडिंग क्रिकेटर का खिताब दिया गया है? तो अभी हाल ही में विजडन ने ऑलराउंडर को विश्व में 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया है, तो ये खिताब किसे दिया है इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।